गोविंद निलानी को अपना गॉडफादर मानने वाले अभिनेता मिलिंद गुना जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह हिंदी सहित देश की कई भाषाओं की 280 फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। मिलिंद गुना जी अभिनेता होने के साथ साथ लेखक, फोटोग्राफर और टीवी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता भी हैं। उनकी कविताओं के अलावा यात्राओं पर आधारित 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन दिनों वह 8 फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। उनकी जल्द प्रदर्शित होने वाली जयप्रकाश शाह निर्देशित फिल्म लव करूं या शादी है। हाल ही में फिल्म लव करूं या शादी के गानों और ट्रेलर को लॉन्च किया गया। उसी अवसर पर मिलिंद गुना जी ने फिल्मी संगम चैनल से बातचीत की। मिलिंद गुना जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मिलिंद जी, आप अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, फोटोग्राफी का भी शौक़ है, बहुत यात्राएं करते रहे हैं और आपका करियर करीबन 25 साल से ऊपर का हो गया है। 32 साल हो गए। मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो आपका फोटोग्राफी का शौक़ है, जो यात्राएं करते हैं, वो आपके अभिनय में किस तरह कितनी मदद करता है? क्या होता है, अभिनय करने के लिए हमको तो घूम भटकना पड़ता है, नए नए लोकेशंस पर जाना पड़ता है। मेरा एक ट्रैवल शो है जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है भटकंती। तो बेसिकली क्या होता है कि जब फिल्मों के लिए हम निकलते हैं बाहर, तो अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, जो गाने के लोकेशंस होते हैं, फाइट के लोकेशंस होते हैं, साथ में कलाकार होते हैं जो जनरली को आर्टिस्ट होते हैं, तो बाकी लोगों की तरह नहीं होते क्योंकि हम लोग साथ में काम करते, तो दोस्त की तरह हम लोग होते हैं। तो फोटोग्राफी के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अच्छा लैंडस्केप है, अच्छा अच्छी जगह है, माहौल अच्छा है, साथ में अच्छे अच्छे चेहरे और जो मतलब जो कैमरा कॉन्शियस नहीं है ऐसे लोग जिनको मैं पोर्ट्रेट निकाल सकता हूँ। सो ओवरऑल मेरा फोटोग्राफी का शौक ऐसे ही पूरा हो जाता है। अभी मेरा एक ट्रैवल शो जो महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है भटकंती, मतलब भटकना, 100 के ऊपर एपिसोड्स हो गया, मेरा खुद का ही शो है। और डिस्कवर महाराष्ट्र, ये तो मेरा खुद का प्रोडक्शन था। ये भटकंती जो था वो जी टीवी, मतलब पहले का जो अल्फा टीवी था, उसका प्रोडक्शन था जैसे देखा जाए तो, मैं वो उसमें एंकर था। लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया जिसमें मैंने महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस बताए, फोर्स, वाइल्ड लाइफ, नए नए टूरिज्म स्पॉट्स, कि मतलब एक पूरी ऐसी जनरेशन जी जो इंटरेस्टेड नहीं थी ट्रैवलिंग में, उनको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट पाया। सो भटकंती देख के बाहर निकलने वाले लोग बहुत है, पूरी जनरेशन है, तो उसके कारण भटकने के लिए भी मेरा नाम जुड़ गया। भटकने के साथ साथ में मेरी 12 किताबें हैं। वो तो आपने बहुत पहले लिखी थी। हाँ, उसमें से लास्ट क्लास तो अभी जो हमने एरियल फोटोग्राफी की थी उद्धव जी के साथ, तो वो मेरा लास्ट किताब, वो मेरी लास्ट किताब थी, उसका नाम था हवाई मुल्क भी थी, उसकी भी 25,000 कॉपीज हो गई उसकी। लेकिन जो इंग्लिश बुक्स है मेरी, ऑर्बिट ट्रैक्स ऑफ महाराष्ट्र, मिस्टिकल महाराष्ट्र, ये फॉरेनर्स भी जब महाराष्ट्र में आते हैं तो वो मेरा बुक फॉलो करके फिर तो, और एक मेरा जो कन्वर्ट करके मेरी किताब है उसको महाराष्ट्र स्टेट का अवार्ड है, बेस्ट लिटरेचर का अवार्ड। सो मतलब एक लेखक करके वैसा एक मतलब लोग पहचानते हैं। मेरी पोएट्री एल्बम भी है। अच्छा, पोएट्री एल्बम भी है मेरी, जो उसमें कुछ गाने FM रेडियो पे वगैरह बजते रहते हैं। तो ये हो रहा मेरा अदर देन एक्टिंग, जो फोटोग्राफी, राइटिंग, ये सब बाकी जो शौक है वो ये है। तो ये अपने आप बिकॉज ऑफ फिल्म्स ये अपने आप होते रहे। करेक्ट। नहीं सर, मेरा सवाल था कि जो आपके शौक है जैसे लिखना और फोटोग्राफी करना, उसके जो अनुभव होते हैं अभिनय करते समय, एक्टिंग करते समय, किस तरह से मददगार होते हैं? क्योंकि क्या होता है, मैं अभिनय मेरे हिसाब से ऐसा है कि हम लोग जो ऑब्जर्व करते रहते हैं चीज़ें, वो स्टोर करते हैं कॉन्शियस में, और वो हमारे अभिनय के मतलब जब एक्टर करके जो कैरेक्टर मिलता है, तो मैं कैरेक्टर पहले ही स्टडी कर चुका होता था, मुझे सिर्फ उस वक्त वो कैरेक्टर उसके साथ मैच करना होता है, उसको रिकलेक्ट करना होता है। तो इतना सारा जो भटकना होता है, इतना सारा जो लोगों से मिलना होता है, तो मेरे दिमाग में कैरेक्टर बैठ जाते हैं, और जब भी कोई कैरेक्टर मिलता है और डायरेक्टर बोलता है एक्शन, तो अपने आप मैं उस कैरेक्टर में आ जाता हूँ, जो रिकलेक्शन अपने आप होता है। तो उसके जितना मैं ज़्यादा घूमूँ, जितना मैं ट्रैवलिंग करूँ, जितना लोगों से मिलूँ, उतना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और वो एक्टिंग के काम आता है।
एक चीज़ कहा जाती है कि किसी भी करेक्टर को प्ले करने के लिए आर्टिस्ट की दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसके अनुभव और उसकी अपनी इमेजिनेशन पावर। आप कितना किसका किन उपयोग करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक तो होता है कि जैसे मैंने बोला कि अनुभव जो रिकलेक्ट करना होता है, जो अनुभव जो अपने अंदर स्टोर किया है वो रिकलेक्ट करना होता है, और दूसरा होता है आपको कितना टैलेंट है, इसको एक्सप्रेस कितना कर सकते हैं। तो मैं अपने अपने टैलेंट पे निर्भर है, तो वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे अगर वो दोनों हैं तो मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। अब तो 32 साल का जो फिल्मी करियर है एज ए एक्टर, उससे आज आप जब बैठते हैं तो किस तरह देखते हैं, आज किस तरह देखते हैं उसको? हाँ, अभी 32 साल हो गए मेरे, 280 के ऊपर फिल्में हो गई हैं, और अभी भी कुछ 7-8 फिल्में मैं कर रहा हूँ, तो ये चालू ही है। मतलब एक क्या भाई, एक बार आपको एक लोगों को मालूम पड़ता है कि एक एक्टर है, अच्छा काम करता है, और जो पुराने नए जो डायरेक्टर्स हैं जिनको सर्टन रोल्स के लिए कोई अच्छा एक्टर की ज़रूरत हो, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो खुद फ़ोन करते हैं। तो इट्स व्हाट टू यू कुड से, लाइक एक्सपीरियंस बढ़ गया तो उतना अपना हमारा ये भी तजुर्बा, और इसके कारण एक परफॉर्मेंस की ताकत भी बढ़ जाती है। जब आप यात्राएं कर रहे थे और आपके यात्रा के प्रोग्राम आ रहे थे, ट्रेवल्स प्रोग्राम आ रहे थे, उस वक्त आपकी कई लोगों से मुलाकातें हो रही होंगी, कई करेक्टर्स आपके दिमाग में होंगे, कभी आपको लगा कि किसी करेक्टर पर कोई फिल्म बननी चाहिए? ऐसे तो बहुत करेक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल अभी कहीं मैं जवाहर खोड़ाड़ा मुखाड़ा ऐसा जो एरिया है तो सुना भी नहीं होगा, थाना डिस्ट्रिक्ट में एकदम इंटीरियर्स में ऐसी जगह पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, आदिवासी लोग ट्राइबल्स जो देखे, उनकी उनके जिस तरीके से उनका जिस तरीके का जीवन होता है उस पर ऑफकोर्स अभी फिल्में बनना शुरू हो गई है, मतलब मराठी में काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी है, तो ऐसे किरदार बहुत सारे देखता हूँ मैं, तो बहुत सारे हैं ऐसे मतलब मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं कि जिसपे फिल्में बननी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ये जो फिल्म है लॉक करो या शादी, इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या करेक्टर है आपका? इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा एक कैमियो है, क्योंकि जयप्रकाश जी के साथ पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, अच्छा आदमी है, जेन्यून आदमी है, अच्छी फिल्में बनाता है, पहले भी अच्छी कुछ हिट फिल्में भी दी हैं, और जब उन्होंने कहा कि एक है बिलिंदी ऐसा ऐसा है कैरेक्टर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन तुम्हें करना है, तो मैंने कर लिया। आगे का जो आज अनाउंसमेंट होने वाला है वो बहुत पावरफुल स्क्रीन है, उसमें बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, अच्छा आपको पता चले गएगा। तो ऐसा ही है, मतलब ये जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर अपने आप काम अलग, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, कभी तो डायरेक्टर भी दिमाग में रखता है, तो उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसमें एक हीरोइन के पिताजी का रोल किया है मैंने, लेकिन ये आर्मी ऑफिसर है, अच्छा। बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसका बेटी के साथ वो काफ़ी इमोशनल है, तो केयर करते हैं बेटी की, तो एक किस्म का वो मतलब दोनों अंदाज इसमें दिखाई देते, स्ट्रिक्टनेस भी है और उसका प्यार भी है। अच्छा, मराठी सिनेमा भी आप पढ़ते रहे हैं, मराठी सिनेमा में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, आप किस तरह से उसको देखते हैं, मराठी सिनेमा इसमें कहाँ जा रहा है? देखिए, मैंने ज़्यादातर मराठी नहीं किया, क्योंकि मेरे 280 फिल्मों में से शायद मैंने 15 मराठी किए, बाकी तेलुगु और साउथ में भी अपने काम किया, बहुत फिल्में हैं, भोजपुरी है, बंगाली है, पंजाबी है, बॉलीवुड की है, बहुत सारी फिल्में, लेकिन क्योंकि मैं मेरी मातृभाषा मराठी है, मैं यहाँ से हूँ, तो अपने आप कुछ फिल्में आई और मैंने वो कर ली। मराठी फिल्मों का ऐसा है कि उसमें फिल्में अच्छी बनती हैं, हमारे पास बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, स्टेज से आते हैं जो एक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया एक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, और ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल फिल्में बहुत बनाते हैं, तो दोनों टाइप की फिल्में हमारे यहाँ मराठी में भी बनती हैं, और एक अच्छा दौर अभी मेरे हिसाब से शुरू हो गया है, यहाँ फिल्में चल भी रही हैं। तो बॉलीवुड में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, बॉलीवुड की फिल्में सफल नहीं हो रही हैं? नहीं, अभी लग गए साल से तो चालू हो गया, मतलब एक साल ऐसा गया था कोविड के बाद जहाँ बहुत बुरा दौर चल रहा था, और मैं लकीली मैं जो पहली जो बड़ी हिट हुई बुलबुलिया 2 उसमें मैं था, तो वहाँ से फिर 2-3 फिल्में अच्छी चली, फिर अभी उसके बाद तो काफ़ी 5-10 फिल्में तो बहुत अच्छी गई हैं, तो शुरू हो गया। मतलब आपकी 280 फिल्मों में तमाम फिल्में ऐसी भी हैं जो बहुत ही कल्ट फिल्में कही जा सकती है जिनको, तो वो जब फिल्में करते हैं और जब आप कमर्शियल फिल्में करते हैं भूल भुलैया 2 या जी, तो क्या फर्क एज एक्टर महसूस करते हैं आप? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कमर्शियल फिल्में होती हैं वो करना ज़्यादा मुश्किल होता है,
जो नेचुरल एक्टिंग वाली फिल्में होती है, जैसे हमें पहले उसको पैरेलल सिनेमा कहते थे, आर्ट फिल्में कहते थे, और मैंने ऐसे बहुत किए, जैसे गोविंद नीलानी मेरे गॉडफादर हैं, तो उनका पहले मेरी पहली फिल्म थी ध्रुव काल, जिसमें ये लोग थे ओम पुरी, अमरीश पुरी, असरी भाई, आशीष विद्यार्थी और मैं इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो पहली फिल्म मेरी आर्ट फिल्म थी, बहुत उसकी बहुत सराहना हो गई। उसके बाद पपिया सही परंतु जी के साथ हजार चौरासी की माँ, ऐसे बहुत सारी फिल्में, गॉड मदर शिवाना जी के साथ, उसको तो 6 नेशनल अवार्ड मिले, ये सब ऐसे बहुत फिल्में की। लेकिन जो कैरेक्टर मतलब नेचुरल होते हैं, नेचुरल एक्टिंग होती है, वो ज़्यादा आसान होता है करने के। जो कमर्शियल फिल्में होती है, जो कमर्शियल एक्टिंग होती है, उसमें इनफैक्ट इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि जो नहीं है वो आपको कन्विंसिंगली करना है, वो मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है। अब तक अपने तमाम डायरेक्टरों के साथ काम किया, किस डायरेक्टर के साथ काम करने में आपको ज़्यादा सुकून मिला? मैं ज़्यादातर फिल्में जो अच्छी मेरे मैंने की, उसमें से एक तो मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, जो मेरी बड़ी फिल्म भी थी और उनकी भी चहेती फिल्म थी, मेरी भी थी विरासत, प्रियदर्शन मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स। फिर बाकी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे संजय बंसाली, फिर हेरा फेरी के तो जो इसने किया था, नीरज वोरा ने किया था, बहुत सारे तो मतलब मुझे याद भी नहीं, बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स के, राम गोपाल वर्मा के साथ मैंने काम किया है। सो अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग टाइप होता है, लेकिन मैंने जिसके साथ काम किया उसमें कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने में मज़ा आया, सही परांस पे भी है, अरे वो तो कमाल, गोविंद नीलानी है, तो उन्होंने तो मुझे सिखाया एक्टिंग, तो बहुत सारे हैं, मतलब अपने अपना हर एक तरीका होता है काम करने में। विक्रम भट्ट जो मेरी हिट फिल्म थी, वो भी अलग किस्म के अच्छे डायरेक्टर। इसके बाद नया क्या देखने को मिलेगा? मेरे भी सर 8 फिल्में अभी फ्लोर पे हैं। अच्छा, उसमें से एक इमीडिएटली आ रही है, वो थोड़ी क्लासी फिल्म है, मैं नाम है उसका, मैं अमित साध है उसमें। अच्छा, अमित साध मेन लीड कर रहा है, मैं मेन निगेटिव कर रहा हूँ, और उसमें सीमा विश्वास, तिग्मांशु जुलिया वगैरह लोग हैं, फिल्म बन चुकी है, आने वाली है। फिर कल ही जिसका टीजर रिलीज हुआ द यूपी फाइल्स, उसमें मैं मेन विलन कर रहा हूँ, मेन रोल कर रहा है मनोज जोशी कर रहा है, आपने शायद मालूम होगा, कल ही हुआ था। फिर इनका कर रहा हूँ, के सेरा की कर रहा हूँ मैं, उसका नाम है कोर्ट रूम ड्रामा है वो भी। अच्छा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड फिल्म का नाम है। फिर मेरा बेटा डायरेक्ट कर रही थी, क्या बात है, वो एक अच्छी फिल्म बना रहा है, उसका नाम है रावण कॉलिंग, अलग ही सब्जेक्ट है, उसमें भी एक सेंट्रल कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, वो फिल्म में भी कंप्लीशन। क्या नाम है बेटे का? अभिषेक। अभिषेक बेसिकली IT इंजीनियर है। अच्छा, लेकिन वो और उसको एज ए हीरो भी साइन किया गया है एक बड़ी कंपनी से, फिलहाल बीच में वो डायरेक्शन सीख लिया उसने अच्छे तरीके से, उसकी 2-3 शॉर्ट फिल्म भी काफ़ी हिट हो गई। अच्छा, हर फिल्में भी बनाता है, तो ये सब्जेक्ट उसको अच्छा लगा, और काम करने वाले सभी मराठी फिल्म में, बड़ी मराठी बिग कास्ट मराठी, सबको अच्छा लगा, तो अभी वो कंप्लीशन पे। अच्छा, वो एक फिल्म है, फिर बाद में ये तो ये इनकी फिल्म है, ये इनकी दूसरी फिल्म आज अनाउंस होगी, मार्केट 2। करेक्ट, उसमें भी मेन पावरफुल रोल मैं कर रहा हूँ उसमें, और भी 2-3 फिल्में मुझे याद नहीं आ रही, वो भी अभी फ्लोर पे है, टोटल 7-8 फिल्में अभी है। मतलब मिलिए हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।